वहीं यमुनानगर में बोरी में लाश मिलने का मामला सामने आया है। एक और बड़ी खबर है यमुनानगर से, बताते हैं आपको, जहां पुलिस ने मृतक युवक के सौतेले पिता को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। 12 दिसंबर को युवक की बोरी में लाश मिली थी। मृतक युवक नशा करके सौतेला पिता को तंग करता था और तंग आकर उसके सौतेले पिता ने बेटे की हत्या कर दी। प्रतापनगर अपना यमुनानगर का रहने वाला था जी। तो जब हमने तो 30 आगे चलाई तो हमने कई एंगल पे इसमें काम किया। ये कुछ 2 साल से मतलब गलत संगत में पड़ गया था लड़का। इसकी शिनाख्त होने के बाद जैसे हमारे पास ये बात सामने आई है, गलत संगत में पड़ने का, नशा वगैरह करने लग गया था, लड़ाई झगड़ों में था। तो जो पूछताछ में फिर आगे बातें आई भी, घर वालों के साथ भी झगड़ा ही कर रहा था 2 साल से, उनको मारता था पीटता था, बाहर भी लोगों से झगड़ा करता था। तो फिर हमने इसमें कई एंगल पे काम किया तो हमारे पास जो लास्ट में अब हमारी तफ्तीश के अंदर इन्हें घर वालों के ऊपर शक हुआ हमें, तो उसके बाद हमने इसके फादर को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसमें खुलासा हुआ कि जो मर्डर है उसने फादर ने किया। सर कैसे किया, किसकी मदद से कैसे किया मर्डर? तभी तक तो इतना ही, अभी वो अकेले नहीं, मर्डर तो उसने अकेले नहीं किया है, जो सोया हुआ था घर में सोया।